नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, केदारनाथ जाने के बारे में हम सभी लोग हमेशा सोचते हैं, लेकिन काफ़ी रीजंस की वजह से हम लोग नहीं जा पाते हैं। काफ़ी सारे लोग वहां पर चले भी जाते हैं और केदारनाथ तक जाने का यहां पर जो रास्ता है ये काफ़ी ज़्यादा टफ माना जाता है। इसीलिए पूरे साल में कुछ पर्टिकुलर टाइम रहता है, उसी टाइम फ्रेम में यहां पर ओपन किए जाते हैं यहां पर पट, और फिर वहां पर जाने के लिए यहां पर जो टूरिस्ट वगैरह हैं इनको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ता है। इसके बाद में ही हम लोग जा सकते हैं, इसके अलावा हम लोग नहीं जा सकते। तो इसी रास्ते को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए रिसेंटली हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं ये केदारनाथ गए थे। तब उन्होंने अनाउंस किया था कि सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ के बीच में हम लोग बहुत जल्दी एक केबल कार का प्रोजेक्ट जो है इसको लॉन्च करने वाले हैं। और रिसेंटली इस पर्टिकुलर काम के लिए NHAI ने टेंडर जो है ये जारी कर दिए हैं, यानी कि ये प्रोजेक्ट जो है ये एक रियलिटी बनता हुआ अब हम लोगों को दिख रहा है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि NHAI ने कैसे टेंडर जारी किए हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जितने भी केबल कार के या फिर ये रोपवे के प्रोजेक्ट्स रहते हैं इनको एग्जीक्यूट करने की जो ताकत है, जो पावर है, ये दी गई है NHAI को, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, यानी कि हमारे नितिन गडकरी जी को। और नितिन गडकरी जी के पास में जो भी काम आता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होता है, इस चीज़ को हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने रिसेंट टाइम में हमारे नेशनल हाईवे की हालत जो है इसको काफ़ी अच्छी तरह से सुधरते हुए देखा है और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर काम भी किया जा रहा है नए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अब करेंटली अगर हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये जो रोपवे है इसको सोनप्रयाग से गोरीकुंड के रास्ते हमारे केदारनाथ के बीच में बनाया जाएगा। इसकी कुल लागत जो है ये 985 करोड़ रुपए की रहेगी और इसकी कुल लंबाई 13 किलोमीटर के आसपास की बताई जा रही है। तो एक बार ये रोपवे का प्रोजेक्ट बन जाता है तो वहाँ तक पहुँचना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा और साथ ही साथ में ये दुनिया का सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट रहेगा, तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन भी बनने वाला है। इसी के साथ में हम लोग बात करें तो इसके अलावा एक और रोपवे प्रोजेक्ट जो है ये यहाँ पर प्लान किया गया है, जो कि गोविंद घाट से लेकर हेमंतकूट साहिब के बीच में बनाया जाएगा वाया घांगरिया। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये पर्टिकुलर टेंडर जो अभी जारी किए गए हैं ये जारी किए गए हैं बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफ़र और साथ ही साथ में यहाँ पर मेंटेन करने के लिए। इसका मतलब शॉर्ट में अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ तो जिस भी कंपनी को ये अलॉट किया जाएगा उसका काम यहाँ पर बनाना भी है, उसको ऑपरेट करना भी है, उसको मेंटेन करना भी है। और एक बार ये पूरा काम हो जाता है तो इसको गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ओनर यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ही रहेगी, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी ऑपरेशंस रहते हैं ये प्राइवेट कंपनी के पास में चले जाएंगे और ये ऑपरेट वगैरह भी प्राइवेट कंपनी करेगी। फेयर्स वगैरह वही लोग डिसाइड करेंगे कि किस तरह से उनको फेयर्स वगैरह रखना है, कितने लोग एक बार में जा सकते हैं, सारी चीज़ें, ये सभी चीज़ें जो हैं ये हमारी प्राइवेट कंपनी डिसाइड करने वाली है। अब दोस्तों, पहले ये डिसाइड किया गया था कि इस प्रोजेक्ट को गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ के बीच में बनाया जाएगा, क्योंकि जो हमारा ट्रैकिंग चालू होता है ये गौरीकुंड से ही चालू होता है, जिसकी लंबाई ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर के आसपास की है। तो इसी को कम कर यहाँ पर हमारे 13 किलोमीटर के आसपास लेके आया जा रहा है। लेकिन ये जो 13 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा ये सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ के बीच का रहने वाला है। अब करेंटली अगर हम लोग बात करें तो सोनप्रयाग से लेकर अगर आप लोग यहाँ पर गौरीकुंड आते हैं तो आप लोगों को ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये तय करना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखें तो 24 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये कम होकर सिर्फ 13 किलोमीटर का रह जाएगा। हालांकि इस चीज़ को भी हम लोग डिनाई नहीं कर सकते कि केबल कार जो है उसकी स्पीड कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, कम ही रहती है, जिसकी वजह से इस 13 किलोमीटर को कवर करने में आप लोगों को ऑलमोस्ट 45 मिनट से लेकर एक घंटे का टाइम यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग पैदल जाते हैं तो उससे आप लोगों को कई ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसके कंपेरिजन में अगर आप लोग केबल कार लेकर जाते हैं तो आप लोगों को काफ़ी कम टाइम में आप लोग केदारनाथ तक पहुँच जाएंगे। इसी के साथ में अगर हम लोग बात करें तो मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि एक बार ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है तो ये दुनिया का सबसे हाई एल्टीट्यूड पर बनाया गया रोपवे बन जाएगा और सबसे लंबा रोपवे भी बन जाएगा। इसको 11,500 फीट अबव सी लेवल बनाया जा रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पर जो हमारा ट्रैकिंग वगैरह है, पिलग्रिम्स का जो टाइम वगैरह है, ये भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सिर्फ 60 मिनट के अंदर आप लोग पहुँच पाएंगे। करंटली यहाँ पर जो बिड्स ओपन करी गई हैं ये 10 मार्च तक के लिए, यानी कि 10 मार्च तक कोई भी कंपनी यहां पर जो अपने बिड्स ये सबमिट कर सकती है। फिर 11 तारीख को ये बिड्स जो है ये ओपन कर दी जाएंगी, जिसमें हम लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन सी कंपनियों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद में जो भी यहां पर लोएस्ट बिडर निकल कर आता है उसको ये टेंडर्स अलॉट किए जाएंगे। उसके बाद में हम लोगों को ऑन ग्राउंड यहां पर काम जो है ये देखने के लिए मिलता रहेगा।
तो आने वाले टाइम में यहाँ पर जो भी अपडेट निकल कर आती है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप सभी लोगों को इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो मेक श्योर कीजिए कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोज़ देखने के लिए आप लोग मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप लोगों को डेली शॉर्ट वीडियोज़ देखने के लिए मिलती रहेंगी। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।